हमारा झारखंड, जहाँ कोयले की खान भी है और कच्ची मकान भी है, भोले बाबा का धाम भी है और हरे भरे पहाड़ों की शान भी है। और आज हम इसी झारखंड की एक फेमस डैम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है हजारीबाग शहर से सीधा चांडिल डैम के लिए, जो सुबह हम लोग निकलते हैं 7 बजे, और यहाँ से चांडिल डैम है 175 किलोमीटर। तो हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमारे पुराने ग्रुप्स के लोग हैं, तो उनके साथ इस सफ़र का मज़ा लेते हुए जाएंगे चांडिल डैम। तो आइए मज़ा लेते हैं इस सफ़र का। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सफर करते करते हम सीधा पहुँच जाते हैं रांची रोड से जमशेदपुर रोड, और हमें मिल जाता है ये देवड़ी मंदिर, जो काफ़ी ही प्रसिद्ध है, काफ़ी ही ज़्यादा लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। और आज है संडे, तो संडे में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं यहाँ पे और कुछ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, और कुछ क्लिप्स है वो देखिए आप। उसके बाद यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे दर्शन करके चांडिल डैम। दर्शन करके सीधा निकलते हैं चांडिल डैम की तरफ, और यहाँ से सफ़र करने के बाद हम लोग सीधा पहुँचते हैं चांडिल डैम के वादियों में, जो काफ़ी मनमोहक, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, जो पहाड़ों के बीचों बीच है। पहाड़ों में ये जो डैम बनाया गया है, काफ़ी ही बढ़िया डैम है। तो आइए सीधा चलते हैं चांडिल डैम के पास और वहाँ का नज़ारों का मज़ा लेते हैं। तो हम लोग पहुँचे हैं अभी चांडिल डैम, और भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी कर रखे हुए। सुबह जब हम लोग निकले थे ना, तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मौसम ख़राब किया हुआ था, लग रहा था कि आज बहुत बारिश होगी। एक्चुअली नेट में भी देखा था कि 19 जून को बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है, येलो अलर्ट किया गया था झारखंड में। बट अभी देखो मौसम पूरा एक कड़क किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा धूप किया हुआ है, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़े उतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा गर्मी लग रहा है, बट चलेगा। एंड यहाँ से व्यू जो दिख रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब डैम है यार ये, यहाँ पे टापू है सामने, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही प्यारा व्यू है। आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, और यहाँ का बोटिंग का भी सुविधा है, यहाँ पे आप पिकनिक मनाने आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, फ्रेंड के साथ आ सकते हो, चिल करने के लिए एकदम एक नंबर जगह है यहाँ पे। यहाँ पे दो बोट है, यहाँ पे आप दो बोटिंग कर सकते हो, एंड पार्किंग के जो चार्जेस है गाड़ी की वो 30 रुपीज़ है, देन कुछ भी और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बस आप यहाँ पे जो बोटिंग करोगे उसके चार्जेस यहाँ पर हेड 100 रुपीज़ है। देन यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा व्यू, कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। और बता भाई कैसा लग रहा है तुमको यहाँ का व्यू? यार पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर इतना गर्म है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ अलग सा, मतलब कि ठंड का फील एकदम हो गया थोड़ा सा। मेन जो हवा चल रहा है ना, वो थोड़ा सा राहत दिला रहा है गर्मी से, बहुत अमेजिंग मोमेंट है। अभी बोटिंग करेंगे ना, तो उसका मतलब फीलिंग कुछ और ही होगा, बोटिंग करने के बाद हम लोग का थोड़ा सा अलग ही फील होने वाला है हम लोगों को। अंदर जब जाएंगे तो और भी कूलिंग हमको लगता है, वगैरह लगा लिया जाए क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बस हमारे पास कपड़े नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, तो चुपकी भी लगा लिए थे।
हमने टिकट अभी ले लिया बोटिंग के लिए। अभी ऐसा सिस्टम है यहाँ पे कि आप पहले टिकट लोगे तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत भीड़ रहती है, तो लाइन में लगे हुए सारे लोग। एक्चुअली हो ये रहा है कि आप का टिकट में नंबर रहता है उस हिसाब से यहाँ पे वोटिंग करवाता है। अभी जैसे हमारा 61 पे था, तभी 50 नंबर चल रहा था, तो बोला 20 मिनट लेट है, तो सोच रहे पहले अभी जाके आगे तक हुआ है, आगे भी बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है हमें, तो सोचे पहले आगे भी जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं, घूम लेते हैं, थोड़ा फोटो शूट वगैरह करवा लेते हैं। धूप बहुत ज़बरदस्त है बट कोई नहीं, जैसे भी होगा शकल काला है ही वैसे ही, तो तुम नहीं काला, हम काला है ना, देखो और सब लगभग काला, तुम सिर्फ गोरा चिट्टा है, बाकी बस सब काला ही काला है। अरे धूप ऐसे ही मुंह खराब करके रख दिया पूरा फेस वगैरह। तो आगे चलते हैं, घूमते हैं थोड़ा, देखते हैं कैसा सीन है उधर का। आपको चांडिल डैम का व्यू कैसा लगा, आपको चांडिल डैम कैसा लगा एंड ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो। एंड जैसा भी लगाओ आप प्लीज़, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कर देना, देन वीडियो को शेयर कर देना। बाकी बात मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक फन, जय हिंद।